गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास टेंथ में चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू 1206 CE। और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था अशोक के बारे में, जो बिंदुसार के बाद राजा बना था। आज हम पढ़ेंगे धम्म के बारे में कि अशोक का धम्म क्या था। देखिए, अशोक ने अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नियम बनाए थे, कुछ रूल बनाए थे और उनको लिखवाया था, जिसे क्या बोला गया था, धम्म बोला गया था। अब धम्म को यदि हम समझें तो धम्म एक तरह से धर्म हुआ, और वो भी किस, कौन सा धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, ठीक है। और बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अहिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए, वह हमेशा अहिंसा के जो मार्ग है उस पर वो चलता रहे। तो इसे ही हम पढ़ेंगे धम्म में। तो देखिए आगे पेज नंबर है आपका 6, इसमें देखिए अशोक एस्टैब्लिश आइडियाज फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, कि अशोक ने लोगों की उन्नति के लिए, नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों को एस्टैब्लिश किया वो क्या कहलाया, वो धम्म कहलाया। देखिए, मनुष्यों की नैतिक उन्नति, अब नैतिक का मतलब क्या होता है, नैतिक का मतलब होता है कि मनुष्य ऐसे कार्य करे जो सही हो, दैट मीन्स जैसे वे झूठ ना बोले, हमेशा बड़ों का आदर करे, ठीक है, इसके अलावा हर किसी की हेल्प करे, तो ये सब काम किस में आता है, ये सब आता है नैतिक में, ठीक है, जिसे बोला जाता है मोरल। तो अशोक ने लोगों के नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों को, जिन नियमों को एस्टैब्लिश किया उसे बोला गया था धम्म। डेफिनेशन ऑफ अशोक धम्म हैज बीन गिवन इन द सेकंड एंड सेवंथ रॉक एडिक्ट। अब अशोक की ये जो डेफिनेशन है, अशोक का धम्म की जो परिभाषा दी है वह दूसरे और सातवें रॉक एडिक्ट है, ठीक है, दूसरा और सातवां शिलालेख है, इन शिलालेखों में धम्म की परिभाषा दी गई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा किन शिलालेखों में दी है, तो दूसरे और सातवें शिलालेख में दी है। इसके टोटल शिलालेख हैं 14, ठीक है, जिनमें से दूसरे और सातवें में धम्म की परिभाषा दी गई है। अकॉर्डिंग टू हिम सनी ऑल द इवल एक्शंस, इसके अनुसार क्या है, धम्म के अनुसार या अशोक के अनुसार, कि हर व्यक्ति को अपने बुरे कार्य को छोड़ देना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, कि विश्व कल्याण के लिए उसको सोचना चाहिए, कंपनसेशन चैरिटी, उसको हमेशा लोगों का साथ देना चाहिए, दान देना चाहिए, ट्रुथ सही सत्य बोलना चाहिए, एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन, और हमेशा सही कार्य करने उसको चाहिए। यही क्या है, यही धम्म है। तो अशोक ने मनुष्यों की नैतिक उन्नति के लिए ये सब नियम जो चालू किए थे वो सब क्या कहलाए, धम्म कहलाए थे। द एसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉलोइंग धम्म इंक्लूड सैडली नेचर, अब यदि कोई इस धम्म को अडॉप्ट करता है तो उसके लिए क्या क्या कहा गया है, कि उसका नेचर बहुत शांत होना चाहिए, परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, वह ऐसे कार्य करे जिससे लोगों का कल्याण हो, बींग फ्री फ्रॉम ऑल एविल्स, वह हर किसी जो बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों को वह छोड़ दे, रेस्पेक्ट फॉर वंस गुरु, और अपने से बड़ों का, गुरु का सम्मान करे, बींग चैरिटेबल टू वर्ड्स वन फ्रेंड्स, और अपने मित्र का साथ दे, रिलेटिव्स ब्राह्मण्स एंड द नीडी, जो भी व्यक्ति हैं इन सभी व्यक्तियों को वह साथ लेकर चले या उनका सम्मान करे। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रॉक एडिक्ट, अब देखिए दूसरे और सातवें में तो क्या कहा है, धम्म की परिभाषा दी है। अब तीसरा जो रॉक एडिक्ट है, तीसरा लघु शिलालेख है, इसमें क्या कहा गया, इसमें जो तीसरा शिलालेख है इसमें क्या कहा गया है, देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ मॉडरेटली कलेक्टिंग एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी, कि व्यक्ति को कम कमाना चाहिए, कम खर्चा करना चाहिए और जितनी उसकी जरूरत है उसके अनुसार ही उसको कमाना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति है उसको जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही वह कमाए, और उसको जितना खर्च करना है वह उतना ही खर्च करे, मतलब अल्प संग्रह और अल्प व्यय वो करे, फिजूल खर्ची वो ना करे। अकॉर्डिंग टू भाबरू रॉक एडिक्ट, अब एक भाबरू रॉक एडिक्ट आता है,
भाबरू शिलालेख, और इस भाबरू शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, अशोका एक्सप्रेस इज बिलीव इन बौद्ध त्रिरत्न नेमली बुद्ध धम्म और संघ। अशोक ने अपने विश्वास को कहां पर अभिव्यक्त किया है, बुद्ध के तीन रत्नों में। आपने पढ़ा हुआ, यदि आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो बौद्ध धर्म में आपने तीन रत्न पढ़े होंगे, बुद्ध धम्म और संघ। तो अशोक ने अपने जो विश्वास हैं वो विश्वास किसकी ओर प्रकट किए हैं, बौद्ध धर्म के तीन रत्न बुद्ध धम्म और संघ में इसने प्रकट किए हैं, अभिव्यक्त किया है। तो भाबरू शिलालेख यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक ने अपने जो बिलीव्स हैं वो किस में एक्सप्रेस किए हैं, तो बौद्ध धर्म के तीन रत्न बुद्ध धम्म संघ में किए हैं। यह किस रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है, भाबरू रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह हुआ आपका धम्म। तो अब देखिए धम्म में यदि समझ में आया कि भाई धम्म क्या है, धम्म लोगों के नैतिक उन्नति के लिए अशोक ने जो रूल जो नियम स्टार्ट किए थे उन्हें धम्म कहा गया था, जिसमें क्या था कि हमेशा हर व्यक्ति सही कार्य करे, जैसे मैंने बताया था बड़ों का सम्मान करे, आदर करे, लोगों का ध्यान रखे, लोगों की हेल्प करे। तो ये सब किस में आता था, नैतिक कर्तव्य में या मॉरल डेवलपमेंट में आता था। आगे देखिए इन माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ सांची, सांची का जो लघु शिला लेख है जो कहां से मिला है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक अशोक का रॉक एडिक्ट मिला है, लघु शिलालेख मिला है। और सारनाथ, सारनाथ कहां पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यहां से भी रॉक एडिक्ट मिला हुआ है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि अशोक ऑर्डर देता है। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि किन शिलालेखों में अशोक ऑर्डर देता है, और ऑर्डर क्या देता है कि महामात्र ऑफ कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र। महामात्र कौन होते हैं, धम्म को आगे बढ़ाने के लिए जो पोस्ट दी गई थी, जो मान लीजिए कि जो काम दिया गया था वो काम किसको दिया गया था, महामात्र को दिया गया था। तो कौशाम्बी और पाटलिपुत्र ये जगहों के नाम है, तो कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के जितने भी महामात्र थे अशोक उनको क्या ऑर्डर देता है कि बॉयकॉट सच भिक्षु एंड भिक्षुणी, कि ऐसे भिक्षु और भिक्षुणी, बौद्ध धर्म में भिक्षु भिक्षुणी होते हैं, तो मेल को भिक्षु बोला और फीमेल को भिक्षुणी बोला गया है, तो ऐसे भिक्षु और भिक्षुणी को बॉयकॉट कर दिया जाए, उनको हमेशा बहिष्कार कर दिया जाए। हु ट्राइड टू डिसयूनाइट द काउंसिल, जो संघ में फूट डालते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि ऐसे कौन से रॉक एडिक्ट्स हैं जिनमें अशोक ऑर्डर देता है महामात्रों को कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के, कि जो भिक्षु भिक्षुणी संघ में फूट डालते हैं उनको संघ से बॉयकॉट कर दिया जाए, तो वह है आपका सारनाथ और सांची का रॉक एडिक्ट। नेक्स्ट देखिए, इन द फर्स्ट एडिक्ट ही वाज ऑर्डर दैट नो एनिमल शुड बी किल्ड फॉर द यज्ञ। अब देखिए पहला जो रॉक एडिक्ट है, शिलालेख है, इसमें अशोक क्या कहता है, इसमें अशोक ऑर्डर देता है कि कोई भी यज्ञ के लिए किसी भी पशु की बलि नहीं देगा। पहले क्या होता था कि यज्ञ स्टार्ट करने से पहले और यज्ञ को बाद समाप्त करने के बाद पशुओं की बलि दी जाती थी, तो अशोक ने क्या ऑर्डर दिया, अपने अभिलेख में यह लिखवाया कि यदि कोई भी व्यक्ति यज्ञ करता है तो उस यज्ञ में किसी भी पशु की बलि नहीं दी जाएगी। अब हमें इससे क्या पता लगता है कि अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर एक अहिंसा का मार्ग अपना लिया है, और यह सब किसके कारण हुआ, जब उसने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था, और बौद्ध धर्म में उसको शिक्षा किसने दी थी, उपगुप्त और शमन निग्रोध, और हमेशा किस बौद्ध भिक्षु का वह शिष्य बना रहा, मोगलीपुत्र तिस का। तो यह बात हुई आपकी धम्म की, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धम्म यात्रा।